नमस्कार, मैं हूं शंकर विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं टुडे स्टेटमेंट। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर बुधवार को एक बार फिर किसानों को रोका गया। किसान दिल्ली जाकर सरकार से अपनी बात कहना चाहते थे, लेकिन पिछले वर्ष की तरह बुधवार को भी उन्हें दिल्ली में प्रवेश करने से रोक दिया गया। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले कुछ किसान दिल्ली पहुंचने में तो सफल हो गए, जबकि हजारों किसान बहुत देर तक बॉर्डर पर ही डटे रहे। यूपी बॉर्डर का यह दृश्य कुछ ऐसा ही था जैसा कि पिछले वर्ष दिखा था। किसानों को पिछली बार आश्वासन देकर वापस कर दिया गया था। सरकार उनकी कुछ मांगे मान भी ली थी, लेकिन अधिकांश मांगे आज भी ऐसी हैं जिन्हें नहीं मानी गई हैं। किसान एक बार फिर उन्हीं मांगों को लेकर दिल्ली में आंदोलन करने जा रहे थे, लेकिन उन्हें बॉर्डर पर ही रोक दिया गया। बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी। तो केंद्र सरकार ने हमें दिल्ली नहीं जाने दिया। 15 हमारी मांग थी और 6 मांगों पे हमारा सांकेतिक एक समझौता हुआ था, तो वो 6 मांग भी हमारी आज तक पूरी नहीं हुई और 6 मांग हमारी और जुड़ गई। एक अभी इन्होंने बहुत बड़ा समझौता किया है कि 16 करोड़ हमारा जो परिवार है वो प्रभावित होंगे। इन्होंने एक बहुत बड़ा समझौता किया है दूध का, जो हमारा फुटकर में किसान अपना जो आमदनी करता है वो सारा चौपट हो जाएगा। हमारी फसलों की कीमत नहीं मिल रही। स्वामीनाथन आयोग का हमारा जो फार्मूला था जो MSP का के रेट का 50 उसमें जो लागत है उसमें 50% जोड़ के देने का, सरकार वो भी पूरा नहीं कर रही। जो हमारी किसान क्रांति यात्रा थी वो हमारा एक सरकार को एक आवाज था कि सरकार की किसान कुछ मांग रहे हैं, वो हमारा एक आंदोलन का रूप था दिखाने के लिए सरकार के लिए। सरकार ने हमारे से कुछ मांगे की बात रखी थी, कुछ मांगे उनको हम मान रहे हैं, समझ जी। लेकिन जिस तरह का इन्होंने आश्वासन दिया था, राजनाथ सिंह भी थे, हमारे मुख्यमंत्री से बात हुई, 2 मंत्री थे और कृषि मंत्री भी यहाँ पर आए थे, लेकिन जिस तरह का वो था वो हमें पूरा नहीं हुआ। आज जो हम आए हैं यहाँ पर कि एक तो हमारी मेन मांग जो है कि हमारी किसान क्रांति रथ यात्रा यहाँ पर रोकी गई थी, इसको जो है इसको यूपी गेट को जो है क्रांति को मतलब जो है घोषित करा जा गेट को। ठीक एक साल बाद आज किसान एक बार फिर यूपी गेट पर आए, यानी दिल्ली के दरवाजे पर। वहाँ यहाँ पर पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है और आदेश वही पुराने हैं कि किसानों को इस तरह से दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। हालांकि किसान नेता इस संबंध में एक रणनीति बना रहे हैं और उसके बाद फैसला किया जाएगा कि किसानों के इस मूवमेंट का क्या अंजाम होगा या क्या रणनीति अपनाते हुए वे लोग यहाँ से दिल्ली जाएंगे या फिर वापस आ जाएंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन पुलिस पूरी तरह तैयार है और किसी भी कीमत पर किसानों को दिल्ली में दाखिल होने की इजाज़त देने के मूड में नहीं है। टुडे स्टेटमेंट के लिए सैयद अली मेहंदी, गाजियाबाद।